जय गंगे माँ। दोस्तों आज हम आए हैं श्री गुरु कृपा औषधालय जो कि हरिद्वार में है, और यहाँ पर दोस्तों जो मरीज हैं वो काफ़ी दूर दूर से आते हैं। दोस्तों यहाँ पर आने के लिए आपको सबसे पहले एक दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है जो कि फ़ोन पर होती है, और दोस्तों एक नंबर से लेके 200 नंबर तक फ़ोन पर बुक किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आकर ही अपना नंबर बुक कराना होगा, और दोस्तों यहाँ पर सभी रोगों का इलाज जड़ी बूटी दवाई द्वारा किया जाता है, और ये दवाई दोस्तों यहाँ पर काफ़ी उचित मूल्य में दी जाती है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर पेशेंट काफ़ी दूर से अपने निजी वाहन से इस जगह आते हैं, अधिकतर मरीज ट्रेन के द्वारा इस जगह पर पहुँचते हैं। दोस्तों इस गुरु कृपा औषधालय का पूरा पता आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो, और दोस्तों आपको इस औषधालय के संपर्क नंबर भी मिल जाएंगे। दोस्तों आप यहां से एक बार अपना चेकअप करा कर अपनी सभी मेडिसिन ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। नए दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों को मिल सके। दोस्तों ये औषधालय का मुख्य गेट है, इस गेट से हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस औषधालय में कितनी भारी मात्रा में मरीज यहाँ पर दवाई लेने आते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर मेडिसिन लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। दोस्तों जिन लोगों के पुराने मेडिसिन वाले कार्ड होते हैं वह व्यक्ति कोई भी नंबर लगाए यहाँ पर आ सकते हैं, और उनको मेडिकल से रिलेटेड सुविधा सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों इस औषधालय के जो वैद्य हैं वो हाथ की नब्ज देखकर दवाई देते हैं। दोस्तों आप अपनी और भी पर्सनल बीमारी को बताकर वैद्य जी से दवा ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी तरह की बीमारी से परेशान हैं तो एक बार आप यहाँ पर अवश्य आएं और वैद्य जी से अपने बीमारी से रिलेटेड दवाई को जरूर लें, और उस दवाई के सेवन मात्र से ही आप अपनी बीमारी को ठीक कर पाएंगे। दोस्तों चेकअप कराने के बाद आपको यहां से आयुर्वेद दवाई लेनी होती है। दवाई दोस्तों इस औषधालय की तीन जगह पर मिलती है, एक सबसे अंदर, दूसरी मेन गेट के पास, और तीसरी जगह औषधालय से कुछ दूरी पर है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको ऐसी नई नई जगह के बारे में इस चैनल पर बताते रहते हैं।